कि मैं एक साल में 5 करोड़ रुपए अर्न करने जा रहा हूं। तो इस रील को जाकर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हो, लिंक मैं नीचे दे दिया हूं, पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। पर जैसे ही मैंने ये रील डाला, उसके बाद मुझे बहुत सारे डीएम्स आए एंड पीपल स्टार्टिंग, सर अगर मुझे 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 20 लाख रुपए भी इस साल कमाना है तो कैसे कमाएंगे, क्या प्लानिंग होगी? तो वो चीज़ आज मैं आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी, व्हाट इज़ द रोड मैप टू गेट एनी नंबर्स जो आपके यहाँ पर है। सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, अगर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको वैल्यूएबल वीडियोज़ मिलती हैं जो पूरे इंटरनेट पे, इवन इंडिया में तो नहीं मिलेंगी इन हिंदी लैंग्वेज, राइट? सो सब्सक्राइब कर लो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर, इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स ऑल अबाउट द वर्क, नो मैटर समवन वॉचिंग यू और नॉट, राइट? इट्स नॉट अबाउट द नंबर, इट्स अबाउट योर वर्क। कोई तुम्हें देख रहा है नहीं देख रहा है कुछ भी मैटर नहीं करता, ये पूरा मैटर करता है एक्शन का, कि आप एक एक्शन टेकर हो या नहीं। हम बहुत टाइम सोचते हैं कि हम महीने के 1 लाख रुपए एटलीस्ट बनाएं, लेकिन नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं, एक्शन कब लोगे, राइट? तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भैया एक्शन लो, एक्शन लो एंड एक्शन लो। सो ऑन द बोर्ड आपको हेडलाइन दिख रहा होगा रोड मैप, और यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च। यस, आप कौन से नीश में हो, आपका टारगेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च करनी है। जैसे कि एग्जांपल दूं, मैं वेल्थ के नीश में हूँ, राइट? वेल्थ का मतलब क्या, पैसा, पैसे के नीश में हूँ। तो अब मैं रिसर्च करूँगा कि मैं कैसे इससे अर्निंग कर सकता हूँ, कैसे इससे अर्निंग बढ़ा सकता हूँ, क्या ऐसा करूँ कि मेरा जो मंथली रेवेन्यू है वो बढ़े, तभी तो मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊँगा ना। तो पहले मुझे रिसर्च करना है। जैसे मैं यहाँ अभी 3 बिजनेसेस ऑपरेट कर रहा हूँ, पहला डिजिटल मार्केटिंग, उसमें हम सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को, दूसरा एफिलेट कर रहे हैं हम लोग अपने यूट्यूब के जरिए और भी जितने भी हमारे वेबसाइट हैं एंड ऑल, एंड तीसरा हम कोचिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे इन तीनों बिजनेसेस में हम क्या ऐसा इंक्लूड करें कि हमारा जो रेवेन्यू है वो फास्टली बढ़े। क्यों? क्योंकि हमने एक टाइम फ्रेम सेट किया है, उसमें एक गोल सेट किया है, तो हम उस पर पूरा एक रिसर्च करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट यही है कि आपका जो भी नीश है उसमें आप पहले रिसर्च करो कि वहाँ पर क्या है, क्या नहीं है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या आप कर सकते हैं एंड ऑल, एंड उस चीज़ को रेडी करो। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्किल। जब आपने अपना एक नीश तय कर लिया, उसमें रिसर्च कर लिया, अब आपको देखना पड़ेगा कि आप उसमें कहाँ फिट होते हो, कौन से स्किल में आप फिट होते हो। जैसे मान लो अभी मैं 3 कंपनीज रन कर रहा हूँ, राइट? तो मैं हर चीज़ में फिट नहीं हो जाता हूँ, राइट? कि मैं अगर मैंने लिया प्रोजेक्ट डिजिटल मार्केटिंग का, वेबसाइट मेकिंग का, तो अब मैं खुद ही जाके वेबसाइट बना रहा हूँ, अब मैं उसमें ही एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना, तो अब मैं ज़रूरी नहीं कि मैं ही उस चीज़ को जाके बनाऊँ। तो मेरे पास लोग हैं, मैंने टीम हायर कर रखी है, तो मैं उनको दे दूंगा, वो बनाएंगे जो उसमें एक्सपर्ट है, ओके? तो ऐसे आपको भी अपनी स्किल ढूंढनी है कि आप किस में एक्सपर्ट हो। क्या आप मार्केटिंग आती है आपको अच्छे से, क्या आपको सेल्स आता है, क्या आपको वेबसाइट मेकिंग आता है, क्या आप एक डॉक्टर हो तो आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकते हो या उनके लिए ई बुक्स बना सकते हो, वीडियो एडिटर हो, कॉपी राइटर हो, एक मेकअप आर्टिस्ट हो, मेहंदी वेहंदी लगाते हो या ड्रेस व्रेस करते हो। ओवरऑल बोलने का मतलब ये कि आपकी स्पेशलिटीज किस में है, आपका स्किल किस में है, आप कितना ज्यादा बेस्ट एंड शार्प किस में हो, राइट? सो वो आपको एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी को चुनना होगा और सिर्फ उसमें काम करना होगा। बाकी के जो 99% काम है वो आप बांट दो, टीम बनाओ, वर्चुअल लोगों को हायर करो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट? तो वो सारी चीज़ें करो और सिर्फ अपने स्किल पर आप खेलो, बाकी पूरा का पूरा आउटवर्क कर दो। यही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको फास्ट स्केल करना है और सिंपली स्केल करना है। तो थर्ड ये है, अभी आपने रिसर्च कर लिया, स्किल आपको समझ में आ गई कि भैया मेरी सेल्स एंड मार्केटिंग है तो मैं ये काम करूँगा, बाकी काम मैं लोगों में बांट दूंगा, या तो मैं लोगों को वर्चुअल हायर कर लूँगा, आउटसोर्स कर दूंगा सारे काम, या जो भी आपका जैसा बैठेगा वैसा आप कर सकते हो, राइट? अब आया स्ट्रेटजी। अब हमें पता चल गया नीस, हमें स्किल पता चल गई, अब हमें बनानी है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इसलिए बनानी है क्योंकि हमें एग्जीक्यूट करना है एक टारगेट जो 5CR का है। आपका कुछ भी हो, 1 लाख का हो, 1 लाख का मंथ हो सकता है, 10 लाख मंथ हो, राइट? जो भी आपका है, तो ये जो भी आपका टारगेट है इसको एग्जीक्यूट करना है तो एक स्ट्रेटजी बनानी है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो मुझे इंस्टाग्राम सेलिंग आती है, ठीक है? इंस्टाग्राम पे सेल कैसे करते हैं, तो हम थीम पेज पे भी सेल कर सकते हैं, खुद के भी पेज पे सेल कर सकते हैं, तो हमारे पास 2 पेजेस हो गए, ठीक है? तो अब मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा कि भैया मैं क्या करूँगा, थीम पेजेस में मैं पूरी एडवर्टाइजमेंट कराऊंगा और लोगों को लेकर आऊंगा
अपने मेन पेज पे एंड वहां पर सेल करूंगा। तो अब सेल करने के लिए मुझे कौन से पोस्ट की जरूरत है, कौन सी स्टोरी लाइंस की जरूरत है, कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए एंड ऑल, ये सारी स्ट्रेटजी मैं बैठकर बनाऊंगा, राइट। अगर एग्जांपल के तौर पर देखें, सीधा सीधा एक एग्जांपल, मान लो एक एआई बंडल तैयार कर लिया, अब आपको इसको सेल करना है, राइट। आपने रिसर्च कर लिया, आपकी स्किल समझ में आ गई कि भैया मैं मार्केटिंग में अच्छा हूँ, तो अब हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो हम जब एआई बंडल की स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो भैया हमें लैंडिंग पेज चाहिए। अब लैंडिंग पेज में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमें मार्केटिंग के लिए एड्स चाहिए, ठीक है। अब हमें उन एड्स को कहाँ रन करना है वो भी देखना है। फिर उसके बाद हमें पर डे कितना खर्चा करना है वो भी देखना है। फिर पर डे हमें कितनी सेल है वो भी देखना है। इसके बाद कैसे हम अपने लोगों तक, मतलब जो हमारा टारगेट मार्केट है उस तक कैसे इसको पहुंचाएं कि वो रिलेटेबल लगे, तो ये सारा चीज़ स्ट्रेटजी का है। एंड बहुत सारी और भी चीज़ें जो स्ट्रेटजी में इंक्लूड होती हैं, राइट। स्ट्रेटजी इतनी शार्प होनी चाहिए आपकी और सिर्फ टारगेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ लैंडिंग पेज बना दिया और वो लैंडिंग पेज मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है, दिखने में कितना अच्छा है, अब मैं इसको बदलूंगा नहीं, भले उसमें रिजल्ट आ रहे हो ना आए। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, सर मैंने लैंडिंग पेज बहुत अच्छा बनाया है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। मैंने बोला दिखाओ, देखते हैं, देखें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो इसको बदलो। सर नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है। उससे मतलब नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी टारगेटेड ओरिएंटेड होनी चाहिए, राइट। सीधी बात, आपको जो बदलना पड़े बदलो, खूबसूरत नहीं दिखना, हमें रिजल्ट्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेटजी का पार्ट होती हैं। एंड लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक्शन। अगर भैया आपकी ये तीनों चीज़ें रेडी हो गई हैं, ये मैं आपको तीनों बड़े टास्क बताया हूँ जो आपको करना ही करना है किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले। अभी हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता दिया हूँ कि अगर आपको कोई भी टारगेट को हिट करना है तो ये तीन चीज़ आपको करनी ही है सबसे पहले, राइट। अब इसके बाद एक्शन ऐसा लेना है कि आप डीमोटिवेट ना हो। अब इसका मतलब मैं आपको पहले समझा दूँ। बहुत सारे लोग आएंगे, एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, तीन बार करेंगे और उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, एंड दे से कि ये नहीं चलता है, ये नहीं चल रहा है, ये मुझसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता, इट्स अ बिजनेस, इट्स अ प्योर बिजनेस। आपको कंटिन्यू कंसिस्टेंटली फाइट करना पड़ेगा, बार बार वॉर करना पड़ेगा। दिस इज़ लाइक जस्ट अ गेम। अगर मान लो आपको मैं कोई गेम दूँ खेलने के लिए, आप एक बार मरते हो, दो बार मरते हो, तीन बार मरते हो, चार बार मरते हो, लेकिन वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है कि मुझे इसको पार करना है, तो आप खेलते रहते हो एंड वो गेम धीरे धीरे पार होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। एंड याद रखना, हर गेम में एक इविल होता है और आप क्या हो, एक गुड मैन और एक इविल। तो ये गुड मैन और इविल, हमेशा इविल बड़ा होता है, गुड मैन छोटा होता है, गुड मैन के पास पावर भी कम होती है, लेकिन एट द एंड गुड मैन ही जीतता है। वैसे ही ये बिजनेस है, ये बहुत चैलेंजिंग है। मान लो एक इविल है आपके सामने, आपका कॉम्पिटिटिव है सामने, बहुत सारी चैलेंजेस हैं, ये इविल है और आप एक गुड मैन हो, आपको इसको हराना है, तो आपको बार बार इससे फाइट करना पड़ेगा। एक बार में रिजल्ट कभी नहीं आता, तो आपको बार बार इस पर फाइट करना पड़ेगा, देन आपको जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो एक्शन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था एक्शन, और लास्ट में भी कह रहा हूँ एक्शन। ये तीन चीज़ें हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कागज़ पे कर लोगे, अपने लैपटॉप में कर दोगे, फ़ोन में कर दोगे, ऑल द थिंग्स, लेकिन एक्शन ओरिएंटेड नहीं होगा, एग्जीक्यूशन नहीं होगा, तो रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। जैसे अभी आपने इस वीडियो को देखा, तो ये एक एक्शन है, क्यों? क्योंकि आप पैसे बनाना चाहते हो, राइट। तो पैसे अगर आपको बनाने हैं तो भैया आपका ये रोड मैप रेडी है, आप इस पर काम करो, डीप जाओ, अच्छे से चीज़ों को समझो कि रिसर्च में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, स्किल में बहुत सारा काम होता है, स्ट्रेटजी में बहुत सारा काम होता है, एंड देन जाके एक्शन एक्शन एक्शन। कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे मुझसे पूछ सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो। नए मेहमान हो सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी अच्छी ऐसी वीडियोज आने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।